आज पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी। देश के 9.5 करोड़ किसान परिवारों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। योजना के तहत किसानों को मिलेंगे 2,000 रुपए। कोरोना पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष से की अपील। पीएसी की बैठक करने की इजाजत देने की मांग। फेसबुक अगले कुछ हफ्तों में भारत में कोरोना की गलत जानकारी के खिलाफ चलाएगा मुहिम। कोरोना को लेकर फैलाई गई गलत जानकारी को फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाया। बिहार यूपी में गंगा में मिले शवों की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सभी शवों को निकालकर उनका पोस्टमार्टम करने की मांग। असम के एनआरसी कोऑर्डिनेटर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा ने वोटर लिस्ट से अवैध वोटर्स का नाम हटाने के साथ एनआरसी में संशोधन की मांग रखी। देश में आज मनाई जाएगी ईद। मुस्लिम धर्मगुरुओं और संस्थाओं की सभी से अपील, घर पर रहकर ही मनाएं ईद। अयोध्या बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी की ईद को लेकर मुस्लिम समाज से अपील। कोरोना काल में ईद सादगी से मनाएं, घरों में रहकर नमाज अदा करें। आज आईसीएमआर की कोरोना टास्क फोर्स की अहम बैठक। कोरोना लड़ाई में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल पर हो सकती है चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की ग्लोबल टास्क फोर्स की बड़ी कंपनियों से की बात। भारत में कोरोना से निपटने में मेडिकल उपकरणों की जरूरत के बारे में जानकारी दी। भारत में दिसंबर तक 2 अरब वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की संभावना। कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज तैयार होगी और कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज तैयार हो जाएगी। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गई है, अगले हफ्ते उपलब्ध होने की उम्मीद है। जुलाई के महीने से भारत में भी बनना शुरू हो जाएगी वैक्सीन। भारत सरकार कर रही है फाइजर और मॉडर्ना के साथ बात। भारत के साथ मिलकर काम करने का दिया गया है सुझाव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, वैक्सीन कंपनियों पर दबाव न बनाए, कंपनियों का मनोबल न तोड़े, वैज्ञानिकों की वजह से वैक्सीन मिली है। कोरोना संकट के दौर में कनाडा कर रहा है भारत की मदद। कनाडा से दिल्ली पहुंची कोविड रिलीफ सामग्री। वैक्सीन पर ओवैसी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा सिर्फ 2 ही कंपनियों को ही क्यों मंजूरी दी गई। सरकार बताए इनके पास कितनी वैक्सीन और कितने राज्यों को दे रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। 12 हफ्तों बाद वैक्सीन लगाए जाने को लेकर कसा तंज। दिल्ली में फिर से एक बार 45+ वालों के लिए वैक्सीन की किल्लत देखने को मिली। कोवैक्सीन का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा, कोविशील्ड का स्टॉक 2 दिन का ही बचा। दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई कमी। बीते 24 घंटे में 10,489 नए मामले, 15,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, 308 लोगों की कोरोना से गई जान। मुंबई में कोरोना के मामले पहुंचे 2,000 के नीचे। बीते 24 घंटे में 1,946 नए मामले दर्ज हुए, 68 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में आई कमी। बीते 24 घंटे में 42,582 नए मामले, जबकि 850 लोगों की मौत। मुंबई पहुंचने वाले यात्रियों पर बीएमसी की कड़ी नजर। मुंबई के सभी एयरपोर्ट को भेजा सर्कुलर। यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 30,621 नए कोरोना मामले, वहीं 297 लोगों की कोरोना से गई जान। नीति आयोग ने योगी सरकार की ऑक्सीजन नीति की तारीफ की, कहा यूपी में ऑक्सीजन टैंकर्स की ट्रैकिंग और ऑक्सीजन अलॉटमेंट का तरीका सही। बॉर्डर पर बैठे किसानों से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अपील, हरियाणा की धरती पर बैठे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना हमारा धर्म। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ईद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। ईद को लेकर ड्रोन से करेगा निगरानी। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। अराजक तत्वों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। औरैया में वैक्सीन को लेकर अफवाह, वैक्सीनेशन कराने गई टीम से ग्रामीणों ने किया भद्रता, गांव वाले समझने को तैयार नहीं। कोरोना पर यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा टीके को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है जिससे हो रहा है नुकसान, गांव में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के वाराणसी के रामनगर सुजाबाद में गंगा किनारे मिले कई लावारिस शवों की पहचान करने में जुटा जिला प्रशासन। कानपुर में गंगा किनारे खेरेश्वर घाट पर कई लावारिस शवों को दफनाया गया, गंगा में बहकर आए थे शव प्रशासन ने दफन करवाया। यूपी के चंदौली से आई बक्सर जैसी तस्वीरें, गंगा किनारे 6 से ज्यादा लावारिस शव मिले, प्रशासन की टीम ने सभी शवों को कराया दफन। कोरोना को लेकर मोर्चे पर यूपी के सीएम योगी, आगरा में पथौली गांव में जाना हो लोगों का हाल, कमांड सेंटर में परखी व्यवस्था। यूपी के मथुरा में सीएम योगी ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, कोविड कमांड सेंटर का लिया जायजा, कोरोना के खिलाफ की जागरूकता फैलाने की अपील।
उत्तराखंड में मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के कोविड केयर सेंटर का किया औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की। यूपी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश पर साधा निशाना। पहले कहते थे नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, अब पॉलिसी जानने को बेकरार। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में संक्रमित है पुलिसकर्मी। अब तक कुल 1918 पुलिसकर्मी आए संक्रमण की चपेट में। 2 पुलिसकर्मियों की हो चुकी है मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,775 नए मामले आए सामने। वही 19,425 लोग डिस्चार्ज हुए। यूपी में 86% है रिकवरी रेट। कोरोना पर मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल का बयान। कहा दूसरी लहर में कोरोना गांव-गांव तक पहुंचा, लोगों ने बताया नहीं छिपा कर रखा। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 75 लोगों पर लगा एनएसए। सभी लोगों को भेजा गया जेल। मध्य प्रदेश के शहडोल में सीएम शिवराज ने ली क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक। टेस्टिंग बढ़ाने और दवाई की कालाबाजारी करने वालों पर रसूखा लगाकर जेल भेजने के निर्देश। एमपी के सतना में जोरदार आंधी तूफान के साथ घंटों तक मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सैकड़ों पेड़ धराशायी। गेहूं खरीद केंद्रों के करोड़ों का नुकसान। पंजाब में कल से हेल्थ केयर वर्कर्स और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के परिवार को लगेगी वैक्सीन। पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, को वैक्सीन की खरीद को मंजूरी। गुजरात में कोरोना की रफ्तार जारी। एक दिन में कोरोना के 10,742 नए मामले। वही 109 संक्रमित लोगों की गई जान। एक दिन में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज। बीते 24 घंटे में 20,839 नए केसेस सामने आए। 129 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना के बीच उत्तराखंड सरकार कराएगी 4 धाम के ऑनलाइन दर्शन। घर बैठे पूजा पाठ भी कर सकेंगे श्रद्धालु।